पी के देखो एक बार। अरे सालनी बेटा तू यहाँ कैसे? मामा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो फीस जमा करने आया था बेटा। अरे प्रिंसिपल सर इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह आया है जो यहाँ आई है? अरे नहीं महेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं, लो कर दी ना छोटी बात इसकी और कंप्लेंट। अरे आपकी शालिनी लड़की जो है ना इस स्कूल की सबसे होशियार टैलेंटेड और स्मार्ट लड़की है। अरे यहाँ तो मैंने इसको इसलिए बुलाया था, मैं सोच रहा था कि इसे पूरे स्कूल का हेड गर्ल बना दूँ। क्यों शालिनी मैं तुमसे यही बात कर रहा था ना? हाँ मामा जी। और सर ये रियल जूस दो गिलास और ये नमकीन ये क्या कर रही है यहाँ पे? अरे लो जो होनहार बच्चे होते हैं ना उनको अच्छे से पुरस्कारित करना होता है, इसलिए मैंने इसे बुलाया और मैंने कहा शालिनी आज हम दोनों रियल जूस पियेंगे और साथ में नमकीन खाएंगे और डिस्कस करेंगे आगे किस तरीके से और बच्चों का भविष्य अच्छा हो। क्यों? अब ठीक है अगर आपको फीस जमा करनी है तो एक काम करो आज तो आप रहने दो, आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं ना तो आप कल आ जाना। अरे चुप करो, इसमें रियल जूस नहीं इसमें कुछ और है। अरे महेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं, आपके सामने जूस का पैकेट रखा हुआ आप कह रहे हो कुछ और पिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं आप, कहने का मतलब क्या है? रियल जूस नहीं इसमें है आरएस की बोतल। क्या आरएस की बोतल? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें किसने बोल दिया आरएस की बोतल पिला रहा हूँ और लड़की ये सब पियेंगी क्या? और मैं तुम्हें रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल नहीं दिख रहा हूँ क्या? मैं आरएस की बोतल पीऊंगा? अरे मुझे सब कुछ बता दिया चेतन चपरासी ने। सर आपने बुलाया? चेतन बेटा एक काम कर, एक आरएस का क्वार्टर लेकर आ। ठीक है सर। और जाते हुए यहाँ पर एक ट्रे और दो गिलास और भुजिया डाल दीजिए कटोरी में। ठीक जा। अरे ये दीदी क्यों अंदर गई है और सर ने आरएस का क्वार्टर भी मंगाया है? सर दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे? एक काम करता हूँ इनके मामा जी को फोन लगा देता हूँ। देख महेंद्र मेरी बात ध्यान से सुन, ये चपरासी चुपरासी की बातों में मत आ, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, कोई आरएस की बोतल नहीं चल रही यहाँ पे, हम तो बस जूस की बात कर रहे थे और जूस पी रहे थे और प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। क्यों बताओ चालनी? बस करिए सर, अब आप कितना झूठ बोलेंगे। मामा जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये प्रिंसिपल मुझे आरएस पिला रहा था और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर रहा था। इसने बोला कि यहाँ पर पैक पियेंगे उसके बाद मेरे साथ फार्म पे चलना और जैसा कहूँगा वैसा करना, तब जाके मैं तुम्हें पास कर दूँगा। मैंने बहुत मना किया लेकिन सर मान ही नहीं रहे, मुझे बात बात पे धमका रहे थे, बस इसलिए मैं इनके ऑफिस में आ गई। प्लीज़ मामा जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस प्रिंसिपल की है। अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ, तुझे तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा कोर्ट में। अरे महेंद्र रुक यार कैसी बात कर रहा है, क्यों अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहा है तू? कोर्ट वोट की बात छोड़, ठीक है मेरे से गलती हो गई, तेरी लड़की को ना मैं पास तो करूँगा करूँगा, साथ में इसे स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा और जितनी भी तूने आज तक फीस भरी है ना इसकी सारी तेरे को वापस कर दूंगा। अब तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और तू कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे चुप कर, अगर आज तुझे छोड़ दिया पता नहीं जो कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब करेगा। ठीक है चल बेटा साली यहाँ से।